नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं। बीजेपी मुख्यालय में आज भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों और पार्टी के मोर्चा प्रमुखों को 5 राज्यों में आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के टिप्स देंगे। इसके साथ ही बीजेपी अपने चुनावी अभियान की शुरुआत भी करेगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें, बैठक में पीएम मोदी के जन्मदिवस पर 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक देश भर में जो सेवा और समर्पण अभियान चलाया गया था, उस पर भी चर्चा की जाएगी। इसके लिए सभी नेताओं को इस अभियान की उपलब्धियों से जुड़े रिपोर्ट कार्ड को लेकर आने के लिए कहा गया है। साथ ही बैठक में पार्टी के विस्तार, सभी राष्ट्रीय महासचिवों के राज्य के चक्रीय प्रवास और चुनावी राज्यों के नियुक्त किए गए चुनाव प्रभारियों की रिपोर्ट पर भी चर्चा की जाएगी। ऐसे में कोरोना के टीके पर प्रगति रिपोर्ट और पार्टी के कार्यकर्ताओं की भागीदारी, कोरोना के टीके के 100 करोड़ डोज को लेकर प्रोग्राम के अलावा आने वाले 5 राज्यों के चुनावी रणनीति पर भी इस बैठक में चर्चा होनी है। इस बात की भी संभावना है कि बैठक के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। हालांकि पीएमओ ने अब तक इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं की है। तो आज बीजेपी की ये बड़ी बैठक होने जा रही है। आपको बता दें, अब से कुछ ही देर बाद 10 बजे से ये बैठक शुरू हो जाएगी, जिसमें तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री भी इन सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस बैठक में आने वाले चुनाव और कोरोना के 100 करोड़ डोज पूरे होने पर प्रोग्राम और किस तरह से आगे की रणनीति पर काम किया जाएगा, उस सभी मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी।